हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आइडियल देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, ब्रिज कोर्स जो सेशन 2022-23 है उसके अंतर्गत आपको मतलब अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वर्कबुक प्रोवाइड की गई है। तो हम यहाँ पर जो इंग्लिश वर्कबुक है क्लास 9th की, उसको लेकर एक सीरीज़ कंटिन्यू चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको यूनिट वाइज चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी समझा रहे हैं, पेसेज के हिंदी में अर्थ बता रहे हैं। उसी कड़ी में हम आज लास्ट लेसन में पहुँच चुके हैं इंग्लिश का, जो कि है हमारे इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ के बारे में। इंस्पायरिंग यानी ऐसी पर्सनालिटीज़ जो हमें प्रेरित करती हैं, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी वन, रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये किसका पिक्चर बना हुआ है, चंद्रशेखर आज़ाद का, ठीक। तो देखो क्या लिखा है, इन दिसंबर 1921 यानी 1921 की बात है, कब, दिसंबर की, महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या लॉन्च किया, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग मूवमेंट यानी आंदोलन। चंद्रशेखर अ 15-year-old स्टूडेंट ज्वाइन द मूवमेंट, चंद्रशेखर जो कि 15 साल का एक विद्यार्थी था, उसने मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन यानी मतलब मूवमेंट में सहयोग प्रदान करने लगा। ही वॉज अरेस्टेड एंड प्रेजेंटेड बिफोर अ जज, अरेस्टेड यानी गिरफ्तार करना, प्रेजेंट यानी पेश करना किसके सामने, जज के सामने, उसे गिरफ्तार करके किसके सामने पेश किया गया, जज के सामने। When the judge asked his name, he replied आज़ाद, which means liberated। जब जज मतलब जज ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम क्या बताया, आज़ाद, जिसका मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, liberated यानी स्वतंत्र। The judge asked him, what is your father's name, जज ने उससे पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो चंद्रशेखर answered, स्वतंत्रता, उसने क्या बोला कि मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है, which means freedom। Then the judge asked, where do you live, तुम कहाँ रहते हो, फिर से चंद्रशेखर ने आज़ाद दिया, जेल खाना, विच मीन्स प्रिजन, प्रिजन यानी होता है जेल खाना। चंद्रशेखर वॉज सेंटेंस टू 15 days इम्प्रिसमेंट विथ हार्ड लेबर, चंद्रशेखर को 15 दिन की जेल भेजी गई, किसके साथ, कठोर श्रम के साथ, यानी कठोर काम करवाना है, मतलब उसको 15 दिन रखना भी है और साथ ही कठोर काम करवाना है, ऐसा बोला गया। लेकिन वो जज के सामने झुके नहीं, डरे नहीं, ठीक है। आगे है, हियरिंग दिस यंग चंद्रशेखर सेड, सर आई ने यू वुड सेंड मी टू जेल, सो आई सेड डेट माई हाउस इज इन जेल, मुझे पता था जज साहब कि आप मुझे जेल भेजेंगे, इसलिए मैंने बोला कि मेरा घर जेल है। फ्रॉम द डे ऑनवर्ड चंद्रशेखर तिवारी केम टू बी नोन एज चंद्रशेखर आज़ाद, उस दिन से यानी उस दिन से चंद्रशेखर तिवारी जो तिवारी थे वो चंद्रशेखर आज़ाद कहलाने लगे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था, तो दिसंबर 1921। हाउ ओल्ड वॉज चंद्रशेखर एट डेट टाइम, 1921 में चंद्रशेखर कितने साल का था, 15 year old। वैन द जज आस्ट चंद्रशेखर हिज नेम, वाट डिड ही रिप्लाई, जब चंद्रशेखर से उसका नाम पूछा तो उसने क्या बोला, आज़ाद, इसका मतलब क्या होता है, लिबरेटेड, लिबरेटेड यानी स्वतंत्र। वाई डिड चंद्रशेखर से डेट ही लिव इन अ जेल, चंद्रशेखर ने क्यों बोला कि वह जेल में रहता है, बिकॉज वह जानता था, ही ने यानी जानना, डेट द जज सेंड हिम टू जेल, कि जज उसे जेल भिजवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स हमें विच और हु का उपयोग करना है, किसका उपयोग करना है, विच या हु का, ठीक। तो देखते हैं, मतलब हमें विच या हु का उपयोग करके सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन करना है, विच यानी कौन सा, हु यानी कौन। जैसे चंद्रशेखर सेड डेट हिज नेम वॉज आज़ाद, आज़ाद मीन्स द लिबरेटेड, मतलब चंद्रशेखर ने अपना नाम आज़ाद बताया, आज़ाद का मतलब लिबरेटेड होता है। तो आज़ाद और मतलब ये जो ये देखो, ये एक सेंटेंस हो गया, ये दूसरा सेंटेंस हो गया फुल स्टॉप के बाद, इन दोनों को मिलाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, विच या हु का, यहाँ हो जाएगा विच, ठीक है। जैसे ये हो गया, चंद्रशेखर सेड डेट हिज नेम वॉज आज़ाद, चंद्रशेखर ने बताया कि उसका नाम आज़ाद है, विच यानी जिसका मतलब लिबरेटेड होता है। उसी प्रकार, आई एम रीडिंग अ बुक बाय APJ अब्दुल कलाम, ही वॉज ग्रेट साइंटिस्ट, है ना, मतलब मैं APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक पढ़ रहा हूँ जो कि फेमस वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग अ बुक बाय APJ अब्दुल कलाम, हु वॉज अ, यानी वह ग्रेट साइंटिस्ट थे, यानी फेमस वैज्ञानिक थे, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट है, आई एम गोइंग टू PPN मार्केट, PPN मार्केट इज़ क्लोज टू अवर हाउस, मतलब मैं PPN मार्केट जाता हूँ जो कि हमारे घर के पास है, क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू PPN मार्केट विच इज़ क्लोज टू अवर हाउस, जो किसके, हमारे घर के करीब है, ठीक है। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द फोर्ट, स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं, किले की तरफ जाते हैं, द फोर्ट वॉज बिल्ट इन द 14th century, वो किला कब बनाया गया था, 14th century में बनाया गया था, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द फोर्ट, फिर उसके आगे क्या हो जाएगा, यदि हमको दोनों सेंटेंस कनेक्ट करना है तो विच वॉज बिल्ट इन द 14th century, उसे 14th century में बनाया गया था। आई हैव टू मीट माई फ्रेंड,
मैं अपने दोस्तों से मिला, सी हैज़ कम बैक फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से वापस आया था। इसका इसको हमको मैच मतलब यदि हमें ये दोनों सेंटेंस कनेक्ट करना है तो किससे कनेक्ट करेंगे, हु से। आई हैव टू मीट माई फ्रेंड, मतलब मैं अपने दोस्त से मिला, हु हैज़ कम बैक फ्रॉम दिल्ली, मैं कहाँ से वापस आया था, दिल्ली से वापस आया था। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई जिसमें हमने कनेक्ट वर्ड हु और विच का उपयोग करके इसे मिलाया। यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर करा चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी एक्टिविटी 3 तक है वो चैप्टर जो लास्ट वाला आपका है इंस्पायरिंग पर्सनालिटी उसकी कंप्लीट होती है। यदि आपको ये इन एक्टिविटी संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है ना।